हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जो व्यवहारिक हिंदी है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स सेमेस्टर 4, इसका इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन थे और इन 20 क्वेश्चन के अलावा कुछ 6-7 क्वेश्चन और मेरे पास हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। और जो ये 20 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप लोगों से एक बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हिंदी का जो स्टडी मटेरियल जो एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड करके 60 से 70 पेजेस का मटेरियल है उसको एक बार पढ़ लो तसल्ली से, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट करने बैठना। ये बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे से आपसे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक अच्छे अनुभव लेखनकार की विशेषता क्या है? इसका आंसर है विश्लेषणात्मक और संवेदनशील, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, खाता संबंधी ये शब्दावली में शामिल है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जीवन बीमा? इसका आंसर है सभी, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद है, निम्न में कौन प्रशासन क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है ग्रेफाइट, बाकी तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। उसके बाद है, वे भाषा रूप जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क का कार्य करती है, ऑब्वियसली बात है इसका आंसर है संपर्क भाषा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक हिंदी के लिए प्रयुक्त नहीं है? इसका आंसर है वस्तुनिष्ठ हिंदी। उसके बाद है, विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। अब आप सोचोगे सर ये भाषा भाषी विभिन्न वर्ग आ गया, भाषा भाषी विभिन्न वर्गों के बीच बातचीत हो रही है तो उसमें तो संपर्क भाषा आएगा, लेकिन इसमें यह है कि बात ये वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वो आपको बताना है, तो संपर्क भाषा मुझे लगता है। लेकिन राष्ट्रभाषा में भी मुझे थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है, तो इसको एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ब्रांडेड शूज शब्द कहाँ हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है? मॉल में होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, भाषा के किस रूप द्वारा बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है? क्षेत्रीय, विदेशी, संपर्क या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से क्षेत्रीय इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वित्तीय समझ बैंकिंग उत्पादों की जानकारी में वृद्धि हेतु आवश्यक है? नियम, निर्देश या पारिभाषिक शब्दावली? इसमें होगा आपका यह वित्तीय समझ यानी कि फाइनेंस की नॉलेज, बैंकिंग उत्पाद बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जानकारी में अगर आपको वृद्धि करनी है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में वही सब आता है कि जो बैंक्स वगैरह की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको समझना। अनुभव लेखन के लिए उपयुक्त विषय क्या है? इसमें हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत कोई भी घटना। इसके बाद है, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी व्यावसायिक जड़ें मजबूत करने के लिए बैंकों द्वारा क्या किया जा सकता है? ये मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा का प्रयोग, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यही बैंक वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन अनुभव लेखन के विषय के रूप में उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, क्रिकेट मैच उपयुक्त है, दर्शनीय स्थल भी उपयुक्त है, बाजार का भी उपयुक्त है, दंत कथा उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। उसके बाद है, हम लोग को किस हिंदी में हम लोगा बोला जाता है? भाई ये तो आपके मटेरियल में मुझे मिला नहीं है, तो मुझे लगता है इसके कोई भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, कलकत्ता या हैदराबाद या बम्बई मुझे लगता नहीं स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज इसका आंसर है, फिर भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं मैं इसको दाव कर रहा हूँ। विधि में संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में कौन सम्मिलित नहीं है? अनुबंध, अपील, दस्तावेज, ड्राफ्ट? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्ट इसका आंसर होना चाहिए। फिर है, भारत में सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है हिंदी भाषा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता होती है सामान्य शब्दावली से सामान्यता, सामान्य शब्दावली से भिन्नता, अत सरलता या इनमें से कोई नहीं? इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या होती हैं, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा।
इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल, सरलता भी मुझे लगता नहीं, ये मुझे लगता है बेस्ट सुइटेबल इसका आंसर होना चाहिए सामान्य शब्दावली से भिन्नता। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। बैंकों में हिंदी का प्रयोग बैंकों के लिए क्यों लाभदायक है? हिंदी का प्रयोग बैंकों में क्यों लाभदायक है बताइए। कारोबार में वृद्धि, केवल औपचारिकता हेतु, केवल सरकारी नियम के पालन हेतु, या इनमें से कोई नहीं? कारोबारी वृद्धि इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, किस क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति जिस शैली में बोलता है उसे क्या कहा जाता है? सरल भाषा, जटिल भाषा, जनभाषा या राष्ट्रभाषा? इट में भी जनभाषा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, मुफ्त का फोकट किस हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है? बहुत ढूंढा इसको, नहीं मिला जी। मुफ्त का फोकट कहाँ स्पेशली बोला जाता है? हैदराबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में, या इनमें से कोई नहीं? बम्बई में शायद इसका आंसर हो सकता है, बट वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद है, आधुनिक बैंकिंग कारोबार में प्रचलित शब्दों में कौन सम्मिलित नहीं है? आधुनिक बैंकिंग कारोबार में प्रचलित शब्दों में कौन सम्मिलित नहीं है? ड्राफ्ट, चेक, टोकन या बट्टा? में भी बट्टा इसका आंसर हो सकता है। और कुछ 5-6 क्वेश्चन और मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, अनुभव लेखन औपचारिक लेखन है, व्यवहारिक है, या कलात्मक है, या कोई भी नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक लेखन। ए नहीं है, सॉरी, बी इसका आंसर है। इसके बाद है, भाषा में भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता आवश्यक है किस चीज़ के लिए? ये है ऑप्शन, इसका आंसर है समाचार लेखन में, संपादन में, अनुभव लेखन में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन में। इसके बाद है, सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पताल में हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? सुझावों की अच्छी समझ के लिए, या समस्याओं को स्पष्टता से समझने के लिए, या का और खा दोनों, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, का और खा दोनों। फिर है, सेल आइटम शब्द किस जगह हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है? ऑब्वियसली मॉल में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है, बाज़ार में हिंदी का प्रयोग सूचक है, यह सामाजिक एकता का, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, वह शब्द जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त शब्दों से भिन्न तथा विशेष क्षेत्र में संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पारिभाषिक शब्दावली, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद, बाज़ार दौरे के अनुभव लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी बातों का। इसमें लिखा गया है विश्वसनीयता का, स्पष्टता का, और झूठी प्रशंसा से बचने का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों व्यवहारिक हिंदी का हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।